नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको नौकरी कब मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी, आपको क्या सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा जिसको हम आयु रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा जिसको हम दिमाग की रेखा बोलते हैं, और इसी प्रकार से कि हमारी हृदय रेखा जिसको हम दिल की रेखा बोलते हैं। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में करें, सबसे पहले सफलता रेखा जिसको हम भाग रेखा बोलते हैं, और भाग रेखा अगर हमारी मणिवंश से चलकर हमारे सन के माउंट पर पहुंच रही है, हमारे ये शनि के माउंट पे जिसको हम बोलते हैं एक उद्देश्य को देती है, एक सफलता को जाहिर करती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में हो सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन उसके साथ हम अपने मान सम्मान को किस दिशा में काम करेंगे उस जुड़े हुए पर्पस को देखेंगे, और किस तरफ हमारा जैसे सूरज एक तरह का प्रकाश है, रोशनी है, वो किस तरफ ज्यादा उजाला करती है वो हमारे पर्वत बताते हैं। और सूरज का जो प्रकाश जिधर की तरफ बहता है उधर की तरफ रोशनी दे देता है, उस दिशा में हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब ये सूरज की रेखा, ये सूरज का पर्वत, ये सूरज की रेखा और सूरज का पर्वत जितना बड़ा है उठा है ये आपकी शक्ति को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। और ये सूरज की रेखा जितनी ऊपर से निकले, ये ऊपर से निकलती है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत जल्दी 20-21 साल में सफलता प्राप्त करते हैं। और ये सूरज की रेखा जितनी नीचे से निकलती है उतनी लेट सफलता मिलती है, लेट हमारा जो भाग्य है या जो हमारा कह लो कि जो हमारा पराक्रम है जो हमें मान सम्मान मिलने वाला है वो थोड़ा सा लेट मिल जाता है। इसी प्रकार से ये सूरज की रेखा जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी पोस्ट के बारे में बताती है, जितनी बड़ी सूरज की रेखा बड़ी हो आपको उतनी बड़ी पोस्ट के बारे में बताती है, जितनी छोटी है उतनी छोटी पोस्ट के बारे में बताती है, क्योंकि एक रोशनी है, कितना रोशनी में पावर है वो हमारी सूरज रेखा बताती है, एक नियम है हस्त रेखा का। इसी प्रकार से अब सूरज की किरण किस दिशा में ज्यादा प्रवाहित हो रही है, सूरज की दिशा अगर मान लो ये सूरज की रेखा इस हमारे मस्तिष्क इसको हम निम्न मंगल बोलते हैं हमारे पराक्रम की तरफ गई, इसकी एनर्जी को हमारे मंगल के पर्वत पर जाने का मतलब उत्साह वाला काम करेंगे, पराक्रम वाला काम करेंगे, हिम्मती काम करेंगे। ऐसे लोग पुलिस में होंगे या मिलिट्री में, उनमें सफलता मिलती है इनको। इसी प्रकार से यहीं से एक सूरज का एक रेखा ये गुरु के पर्वत पर गई, गुरु की चीज का है, विस्तार का ग्रह माना जाता है, ज्ञान का ग्रह माना जाता है, ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। और ऐसे लोग मैनेजमेंट धर्म गुरु का भी काम करते हैं, किसी भी संस्था में वो संचालक का काम करते हैं, उच्च अथॉरिटी दिलाती है इनको ये गुरु, गुरु के क्षेत्र जितना विस्तार होगा
उतनी बड़ी अपार सफलता आपको दिलाएगी। इसी प्रकार से इसी सूर्य के क्षेत्र से एक रेखा हमारे बुध के पर्वत पर, बुध का पर्वत जैसे हस्तरेखा में हम कहते हैं बिजनेस का ग्रह माना जाता है, व्यापार का ग्रह माना जाता है, और ये बुध की फिंगर बड़ी हो, हमारे इस सन के पहले पोर से बड़ी होती है, ऐसे लोग व्यापार में अपार सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी बोली बाड़ी में एक मास्टरी होती है, बोलने की कला होती है, और ये बुध का पर्वत बड़ा हो बिजनेस में व्यापार करके एक अपार सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ये शुक्र का क्षेत्र है, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं, शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत हमारी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से एक शाखा सूर्य के पर्वत पर मिल जाए या सूर्य की रेखा में मिल जाए, ऐसे लोगों को विवाह के बाद सफलता मिलती है, और ससुराल पक्ष जो होता है ना काफी अमीर होता है, और यहीं से एक रेखा चंद्र के क्षेत्र पे, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, चंद्र का पर्वत, चंद्र का पर्वत हमारे मन की कलाओं को दर्शाता है, ऐसे लोग आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है इनको, और उस क्षेत्र में जाते हैं। इसी प्रकार से जब भी भाग रेखा से सूर्य रेखा को मिलने वाली रेखा को हम सफलता रेखा कहते हैं। अब ये 35 ईयर पे काउंट करती है, और ये हम इसको 30 का एज लेते हैं। अगर यहां से एक प्रोग्रेस रेखा जिसको हम सूर्य की रेखा की तरफ कहते हैं, ये इंडिकेशन दे रही है, अगर यहां से मिलती है तो आपकी जो सफलता है या आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको 30 साल की एज पे आपको सफलता मिल रही है, या आपके जो भी काम बनने वाले हैं अपार सफलता दिलाती है, और यहीं पर एक ऊर्ध्वमुखी रेखा मिल जाए ये 30 साल पे, आपको उस दिशा में उत्तीर्ण बनाती है, आपको इस दिशा में प्रोग्रेस देती है। जब भी कोई रेखाओं का योग बनता है तो ऊर्ध्वमुखी रेखाएं उस चीज को जाहिर करते हैं, और हस्तरेखा का एक नियम है, अगर किसी रेखाओं को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो उसके फल में कमी लाती हैं। अब इसी प्रकार से अगर आपके सन के माउंट में दीप का तेल बनता है तो आपको यहां पर नेम फेम में काफी गिराने का काम करती है, एक तरह का कलंक लगाने का काम करती है, और ये रेखाएं ऊर्ध्वमुखी आपके जीवन में बहुमुखी विकास करवाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक का आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।